सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों आज जो हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, टूरिज्म से जुड़ा हुआ बिजनेस है। दोस्तों जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं ये उन सब जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो दोस्तों आप है ना ऐसा ही बिजनेस करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, वो है रिजोर्ट का बिजनेस। यानी दोस्तों जो होटल के टाइप के रिजोर्ट होते हैं जो सिटी के आउटसाइड होते हैं, जो सिटी से थोड़ा बाहर की साइड होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा वगैरह नहीं होता है, जहाँ पे देखने लायक जगह होती है, या जहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह या फिर कोई ऐसा नदी का व्यू होगा, झरने का व्यू होगा, या फिर बड़ी बड़ी वादियाँ होती है, वहाँ पे रिजोर्ट वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही रिजोर्ट बिजनेस की हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप रिजोर्ट का बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों आप रिजोर्ट छोटा भी करा कर सकते हैं, बड़ा भी स्टार कैटेगरी का खड़ा कर सकते हैं। यानी क्या, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार, या फिर आप वैसे ही नॉर्मल रिजोर्ट भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों रिजोर्ट का कोई टाइप नहीं होता, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़ी प्रॉपर्टी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी खुद की जगह है ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो या जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो और वहाँ का व्यू अच्छा हो, देखने लायक व्यू हो, वहाँ पे कोई प्राकृतिक ऐसा सौंदर्य यानी कि व्यू हो, ब्यूटीफुल सा व्यू हो, वहाँ पे आप ये रिजोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा होगा, तो हाँ दोस्तों इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा है, पर दोस्तों कमाई की बात करो ना, कमाई यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होती है। आप लाखों में कमाई कर सकते हैं पर मंथ, आप करोड़ों में भी कमाई कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितनी आपकी सेल है और कितनी आपकी जानकारी वगैरह है और क्या क्या आप उसमें कर रहे हैं। तो दोस्तों आप है ना रिजोर्ट का बिजनेस शुरू करके भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसके लिए आपको, अब इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो दोस्तों आप इसे लाखों में भी स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़ों में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है और जमीन कितनी है और कितना इन्वेस्टमेंट आप उस पर करना चाहते हैं और कितने रूम की प्रॉपर्टी आप शुरू करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि अब आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मुझे, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करना है। तो दोस्तों कम इन्वेस्टमेंट तो नहीं, पर आप यानी कि खुद की प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ऐसे रिजोर्ट सर्च करने हैं जो रिजोर्ट वगैरह को लीज पे देते हों, जहाँ पे लोकेशन अच्छी हो, जैसे आपका देहरादून हो गया या फिर शिमला हो गया, गोवा हो गया, मनाली हो गया या फिर जयपुर हो गया, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे देखने लायक जगह हैं वहाँ पे आप ये रिजोर्ट वगैरह लीज पे ले सकते हैं, यानी कि रेंट पे ले सकते हैं। अब रेंट एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा, ये 1 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, 11 साल का भी होता है, 21 साल का भी होता है। तो आपको कुछ पेमेंट देनी होती है, उसके बाद आपको पेमेंट मालिक को चुकानी होती है, वो पेमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं मालिक के साथ बैठकर। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि अब इसको है ना प्रॉपर्टी को लेने से पहले है ना आप थोड़ा सा उसकी मूवी वगैरह या फिर फोटोज़ वगैरह जरूर करवा लें। स्टार्टिंग में जब आप प्रॉपर्टी लीज पर लेते हैं तो ये जरूर करवा लें, क्योंकि दोस्तों बाद में प्रॉब्लम हो सकती है जब आप प्रॉपर्टी लीज से छोड़ते हैं या फिर मालिक को वापस हैंड ओवर करते हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कि मालिक बोल देता है कि मैंने ऐसे नहीं दिया था, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी में डैमेज है। तो आप वो वीडियो या फोटोज वगैरह आपकी हैं प्रॉपर्टी की, वो आप दिखाकर बोल सकते हैं नहीं सर ये ऐसे ही मैंने हैंड ओवर लिया था। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इस पर इन्वेस्टमेंट कितना किया जाए। इन्वेस्टमेंट तो बताना चाहूंगा दोस्तों, आपका सिर्फ लीज का ही लगना है, बाकी सामान तो आपको मालिक की तरफ से ही मिल जाता है और बाकी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का होता है वो आपको करना पड़ता है। अब इसके अंदर दोस्तों बताना चाहूंगा, इसके अंदर आपको डिपार्टमेंट कई रखने होते हैं, जैसे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस डिपार्टमेंट हो गया, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया यानी कि जो रिसेप्शन का हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको लॉन्ड्री भी उसके अंदर करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, आईटी डिपार्टमेंट भी रखना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों इस तरह से आप रिजोर्ट को खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टाफ की बात आती है, स्टाफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों आप हो सके तो जो होटल मैनेजमेंट किए हुए स्टाफ होते हैं वैसे ही स्टाफ को हायर करें, क्योंकि दोस्तों उनको चलाने की ज़्यादा नॉलेज वगैरह होती है। अगर आपको दोस्तों वैसे नहीं मिलते हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस फुल वाले बंदे लें, एक्सप्रेशर को कम ही लें, क्योंकि दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि स्टाफ तो एकदम से मिलेगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी पहले से चल रही है यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने लीज पे ली है पहले से चल रही है, तो उसमें स्टाफ तो काम कर रहा होगा, तो उसी स्टाफ को आप काम पे रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा बहुत स्टाफ होता है वो आप बाहर से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है, आपको सेल्स मैनेजर वगैरह रखना होगा, क्योंकि दोस्तों बिजनेस लाना भी तो है मार्केट से, यानी कि आपकी लोकल सिटी से, बाहर से आपको बिजनेस भी तो लाना है। आप बड़े बड़े टूरिस्ट जो एजेंसीज होती है उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपके फॉरनर वगैरह जो है आपके होटल्स में या फिर रिजोर्ट में ठहरे हैं। उसके बाद दोस्तों आप ना जो गाइड होते हैं, इनके टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी सिटी में भी आप अदर होटल से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप एक सेल्स मैनेजर भी रख सकते हैं जो आपको मार्केट से बिजनेस ला के देगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक मैनेजर वगैरह भी रखना होगा, या फिर खुद आप करना चाहते हैं तो खुद भी आप मैनेजर के तौर पे अपने ही रिजोर्ट को संभाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इसमें है ना आपको हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, यानी कि एक
होटल को चलाने के ना, ये होटल जो रिजोर्ट होते हैं, ये ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए ना बिल्कुल एक प्रबंध बना के चलना पड़ता है, यानी मैनेजमेंट से चलना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों गेस्ट है ना सिर्फ दो ही चीज़ों की वजह से होटल में ठहरता है, एक तो होता है क्लीनिंग, एक होता है फूड सर्विस सही, और एक रूम सर्विस उसकी फास्ट होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको कैब वगैरह भी लगानी पड़ सकती है एयरपोर्ट से लाने के लिए, जो कस्टमर होते हैं, जो गेस्ट वगैरह होते हैं, उनको लाने के लिए और दोस्तों उनको छोड़ के आने के लिए आपको कैब वगैरह की सर्विस देनी पड़ सकती है, और वो वैलेट भी रखने पड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि अब इस बिजनेस को ग्रो कैसे किया जाए। अब ग्रो करने की बात आती है तो दोस्तों आपको स्कीम्स वगैरह भी चला सकते हैं आप, जैसे बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं, जैसे आप हॉलीडे पैकेज वगैरह निकाल सकते हैं, आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर कुछ ऐसी स्कीम्स निकाल सकते हैं कि 4 बंदों पे 1 का फ्री, या फिर बेबी फूड फ्री, बेबी के लिए फूड फ्री है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री आप रूम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आप लंच दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आप डिनर दे सकते हैं, ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप रूम के अंदर आप फ्रूट बास्केट दे सकते हैं, चॉकलेट बास्केट दे सकते हैं, ऐसे करके यानी कि आपको करना होगा, मैनेज करना होगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है आप रूम कितने में सेल करें। अब दोस्तों रूम की बात करूँ ना दोस्तों, ये आपकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है और आपका बिजनेस कैसा है, तो उसी हिसाब से आपको रेट रखने हैं रूम के। उसके बाद दोस्तों आप इन्हें मेक माई ट्रिप, GoIBIBO, yatra.com ऐसी साइटों पर, वेबसाइट्स पर भी आप अपने होटल यानी कि अपना रिजोर्ट है उसको आप लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन बिजनेस भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको है ना होटल की है ना देख रेख अच्छे से करनी है, यानी कि वो जो रिजोर्ट है आपका उसकी आपको देख रेख अच्छे से करनी है। रिजोर्ट होता है ना जो सिटी से आउटसाइड होता है, तो वहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा नहीं होता, आप कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हैं, कंपनियों की कॉन्फ्रेंस वगैरह भी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप मेडिकल कंपनियाँ होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट करके उनको भी कुछ स्कीम्स वगैरह दे सकते हैं, और उनके जो कैंडिडेट वगैरह आते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए सिटी में, तो उनको भी आप अपनी सिटी में यानी कि अपने रिजोर्ट में आप लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है बिजनेस, होटल को, होटल और रिजोर्ट वगैरह होते हैं इनको चलाने के बहुत सारे फंडे होते हैं, तो इस तरह से आप ये काम करेंगे ना तो आप अच्छी खासी इनकम कर ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट की बात करूँ ना, तो दोस्तों प्रॉफिट की बात करूँ ना तो आप लाखों लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं, अगर आप अच्छे से चलते हैं ना तो लाखों लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हैं, और सालाना आप करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। ये दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, आपको जो है रूम वगैरह है ना, ऐसे अगर आप खुद की प्रॉपर्टी खड़ी कर रहे हैं तो आपको रूम वगैरह ना आप अलग 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 बनाने होंगे, जैसे विला टाइप के होते हैं ना रूम, वैसे बनाने होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को आपको अच्छे से मैनेज करना है, यानी कि दोस्तों जो रूम वगैरह सर्विस वगैरह देते हैं उनको आप अच्छे से मैनेज करें, और दोस्तों शेफ़ वगैरह हैं जो कुकिंग डिपार्टमेंट है उसमें भी आपको हेड शेफ ऐसा रखें जिनकी हाथ में क्वालिटी हो, यानी कि जो फूड फास्ट सर्विस कर सके। और दोस्तों मॉर्निंग में भी आपको ध्यान देना होगा, यानी कि 24 आवर सर्विस आपको प्रोवाइड अपने होटल यानी कि रिजोर्ट में करनी होती है। तो इस तरह से आप अगर ये बिजनेस करते हैं रिजोर्ट का बिजनेस, तो आप अच्छी खासी इनकम कर लेंगे। और दोस्तों आप टूरिज्म लाइन की जो एजेंसीज वगैरह होती है उनसे आप कॉन्टैक्ट बना कर रखें, तो दोस्तों ऐसे बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने से या फिर कुछ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, काम करें आप। अगर पास इन्वेस्टमेंट है तो किस बात की वेट कर रहे हैं आप, खुद काम स्टार्ट कीजिए। खुद को काम स्टार्ट करेंगे ना तब आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे कैसे काम कराया जाता है और कैसे काम किया जाता है। आपको फाइल मेंटेन भी करनी होगी, आपको मैनेजर भी रखना पड़ सकता है, यानी कि आपको बहुत सारे फंडे होते हैं रिजोर्ट को चलाने के लिए। तो ऐसे आप काम करेंगे ना, तो सच्ची बोल रहा हूँ कि आप अच्छी खासी इनकम कमा लेंगे, पर स्टार्टिंग कीजिए तभी आपको बिजनेस मिलेगा। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।